इन दरारों को देखकर इसे एक सामान्य रास्ता समझने की गलती मत कीजिएगा। ये दरअसल 20 साल पुरानी एक ऐसे सपने की नींव है जिससे अटल जी असम और उत्तर पूर्व को पूरे देश के साथ कदम मिलाकर चलने लायक मजबूत बनाना चाहते थे। जी हाँ, खस्ते हाल की ये सड़क हिस्सा है भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अधूरे सपने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का। आपको जानकर हैरानी होगी, 6 महीने पहले निर्माण संपूर्ण करके NHAI को महासड़क का ये हिस्सा सौंपा था ठेकेदारी प्रतिष्ठान MGK ने। डिमा हसाओ जिले की कालाचंद और मुपा इलाके की राष्ट्रीय राजमार्ग 27 का दृश्य है ये। गैर जिम्मेदाराना तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई राजमार्ग का करीब 100 मीटर सड़क देखते ही देखते जमीन में धंसती जा रही है। इस कॉरिडोर के जरिए वाजपेयी ने नॉर्थ ईस्ट के इस हिस्से को गुजरात के सौराष्ट्र से जोड़ने का ऐलान किया था। इसके निर्माण और देखरेख का जिम्मा सौंपा था राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI को। इस सड़क का कुल एस्टिमेट तय किया गया था 7245 करोड़ और 10 लाख रुपए। इस भ्रष्टाचार को लेकर जब हमने NHAI को प्रश्न किया तो उनका जवाब था, हमने 2 ठेकेदारों को काम से निकाल दिया है। जहां अटल जी के सपनों के इस मार्ग को लेकर NHAI का यह रवैया है, वहीं डोनर मंत्रालय के वेबसाइट में भी साल 2012 के बाद इस कॉरिडोर की कोई भी नई जानकारी नहीं है। असम और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती श्रीरामपुर से शुरू होने वाली ये कॉरिडोर खत्म होती है असम के बराक वैली के सिलचर में। असम में ये कॉरिडोर सिलचर, मैबंग, लामडिंग, दोबका, नगांव, सोनापुर, गुवाहाटी, नलबाड़ी और बिजनी को जोड़ती है और इसकी दूरी है 670 किलोमीटर। आज पूरे राजमार्ग की खराब हालत ने बराक वैली की यातायात ठप करके रखी हुई है। यहाँ पहुँचने पर हमने एक सज्जन से पूछा कि क्या हाल है इस महासड़क का, तो उसने कहा ये महासड़क नहीं नरक है। कुछ तस्वीरें भी यही बयां कर रही है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना ये अब अधूरा ही रह गया। इंतजार है एक अटल फैसले का जो इस नरक को बहुत जल्दी स्वर्ग में तब्दील कर सके। UPA के कार्यकाल में इस कॉरिडोर का निर्माण कुछ ज्यादा ही थम गया था और इसी दौरान कॉरिडोर का NC हिल्स जिला, जो कि अब डिमा हसाओ जिले के नाम से जाना जाता है, का अहम हिस्सा सन 2014 तक पूरा करने का समय बांध दिया गया, लेकिन ढेर सारे कारणों को दर्शाते हुए ये लक्ष्य पूरा न हो सका। कभी उग्रपंथा तो कभी एनिमल कॉरिडोर का झमेला सड़क के बनने में रोड़ा बना। 2014 में केंद्र में नई सरकार आने के बाद काम के रवैये में तेजी तो आई, लेकिन ग्राउंड में अभी भी वो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म की शिकार थी जिसकी कीमत चुका रही है बराक और ब्रह्मपुत्र वैली की आवाम। देखिए, ये तो महान आदमी था, ये बहुत हम लोग का देश का डेवलप करने के लिए बहुत तकलीफ किया, बहुत बातचीत किया है, लेकिन हम लोग इधर देखा है महासड़क जो बना वो बहुत गफलती से बहुत काम वो अच्छा नहीं हुआ। अभी देखिए आप ये रास्ता का हालत क्या हुआ है। देखिए ये सड़क का जो गड्ढा वो खेत की का माटी जैसा है, ऐसे ही हो गया है। ऐसे ऐसे हालत से हम लोग गाड़ी चलेगा कैसे, आदमी चलेगा कैसे, ये हाल कैसा है आप लोग देखिए ना क्या हाल है। काम अच्छा नहीं हुआ है, काम बहुत
घटिया काम हुआ है। चलाचल में तो बहुत दिक्कत आ रहा है, रोड में ड्रेन नहीं है, बाद में हम लोग का रोड का साइड में हमारा घर है, घर से निकालने से बहुत मतलब दिक्कत होता है, रोड में बारिश होने के बाद में रोड में पानी जम जाता है। अभी तो 2-3 साल हो गया रोड में मिट्टी है, करीब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तक मिट्टी है, पहाड़ धस गया। असम में आज अटल जी की अस्थियां ब्रह्मपुत्र और बराक नदी में विसर्जन के लिए लाई तो गई, लेकिन उनके सपनों के सड़क से होकर नहीं। महासड़क ना बन पाने के कारण ब्रह्मपुत्र वैली से बराक वैली जाने के लिए लोगों को दूसरे राज्य मेघालय से होकर गुजरना पड़ता है। बीते दिनों एनआरसी फाइनल ड्राफ्ट में जिन लोगों का नाम नहीं आया, उन्हें अपने ही स्टेट में ट्रेवल करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेघालय के स्टूडेंट्स यूनियन ने ड्राफ्ट में नाम न आने वाले लोगों को बीच रास्ते पर रोककर उनके आने जाने में मुश्किलें बढ़ाई। असम को गुजरात से रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़कर देश के इस प्रांत की अर्थनीति सुधारने का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। आज उनकी अस्थियां विसर्जन के लिए बीजेपी सरकार असम तो लाई, लेकिन सही मायने में स्वर्गीय अटल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि केवल उनके इस अधूरे सपने को पूरा करके ही दिया जा सकता है। तुलिका देवी, न्यूज एडिटर, न्यूज 18, असम नॉर्थ ईस्ट।